अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आप सबको इस्लामिक इंफॉर्मेशन टीवी पर खुश आमदीद कहते हैं। सवाल है, किस इंसान से अल्लाह ताला ने दोस्ती करने से मना फरमाया है? ऑप्शन ए बेनमाजी से, ऑप्शन बी झूठे इंसान से, ऑप्शन सी काफिर से, ऑप्शन डी शराबी से। जवाब है काफिर से। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा नहीं होती? ऑप्शन ए शिर्क, ऑप्शन बी कत्ल, ऑप्शन सी खुदकुशी, ऑप्शन डी नशा। जवाब है खुदकुशी। सवाल है, अरब में किस कौम को सबसे पढ़ा लिखा तबका समझा जाता था? ऑप्शन ए हिंदुओं को, ऑप्शन बी ईसाइयों को, ऑप्शन सी यहूदियों को, ऑप्शन डी नजासियों को। जवाब है यहूदियों को। सवाल है, कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कितनी मर्तबा आया है? ऑप्शन ए 20 मकामात पर, ऑप्शन बी 30 मकामात पर, ऑप्शन सी 40 मकामात पर, ऑप्शन डी 50 मकामात पर। जवाब है 30 मकामात पर। सवाल है, वो कौन सी ग़िज़ा है जो कभी ख़राब नहीं होती? ऑप्शन ए खजूर, ऑप्शन बी गंदम, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी शहद। जवाब है शहद। सवाल है, कौन सा गुनाह करने वाले का कोई नेक अमल कबूल नहीं होता? ऑप्शन ए झूठ बोलने वाले का, ऑप्शन बी शिर्क करने वाले का, ऑप्शन सी चोरी करने वाले का, ऑप्शन डी नशा करने वाले का। जवाब है शिर्क करने वाले का। सवाल है, किस सूरत की रोज़ाना तिलावत करने से इंसान अमीर हो जाता है? ऑप्शन ए सूरह रहमान, ऑप्शन बी सूरह यासीन, ऑप्शन सी सूरह मुजम्मल, ऑप्शन डी सूरह अल माईदा। जवाब है सूरह यासीन। सवाल है, किस अमल से शैतान का चेहरा स्याह होता है? ऑप्शन ए नमाज, ऑप्शन बी रोज़ा, ऑप्शन सी हज,
ऑप्शन डी ज़कात। जवाब है रोज़ा।